दोस्तों फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18 का पब्लिक बीटा वर्जन। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बीटा अपडेट्स में पब्लिक बीटा सिलेक्ट करके रखा हुआ है और ये जो अपडेट है वो है 6.85 GB का। तो अब आप आसानी से अपने आईफोन में iOS 18 का पब्लिक बीटा इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी जैसा डेवलपर बीटा में आपको जो बग्स वगैरह देखने को मिलते थे वो सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही ये स्मूथली वर्क करने वाला है आपके आईफोन में। तो ऐसे लोग जो कि अपने आईफोन में डेवलपर बीटा इंस्टॉल करने से डरते थे, वो यहाँ पर पब्लिक बीटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। पब्लिक बीटा को कैसे इंस्टॉल करना है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको कोई भी बीटा वगैरह अपडेट करने से पहले या इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले अपने आईफोन को आप बैकअप कर लीजिए। बैकअप करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपने प्रोफाइल आइकन पे चले या फिर एप्पल आईडी में, और उसके बाद यहाँ से आपको आईक्लाउड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। iCloud में आने के बाद आप यहाँ पे iCloud बैकअप पे जाइए और बैकअप नाउ करके अपने iPhone का बैकअप ले लीजिए, ताकि इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो बीटा वर्जन में या फिर कुछ भी यहाँ पे बग्स हो, अपडेट के दौरान आपका फोन रुक जाए या जो भी चीजें हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर यहाँ पे आपके iPhone में होता है, तो उस केस में आप अपने डेटा को बैकअप से रिस्टोर कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने iPhone के iCloud पे बैकअप कर लें। बैकअप जब हो जाए तब आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे चले आना है जनरल सेटिंग्स में, और अगर आपने डेवलपर बीटा को इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए और यहाँ से आपको बीटा अपडेट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर टैप करके यहाँ से पब्लिक बीटा को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपका यहाँ पे जो अपडेट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। और सिंपली आप अपने आईफोन को अपडेट नाउ पे टैप करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं iOS 18 का पब्लिक बीटा जो है वो अपने आईफोन में। वहीं अगर दोस्तों आपने कोई भी बीटा पहले से इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है तो आप कैसे करेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे फोन में दिखा दूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरा ये जो आईफोन है वो iOS 17.5.1 पे अभी अपडेटेड है। इसमें iOS 18 मैंने इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है। इन केस अगर आपका भी आईफोन ऐसा है, आपने बीटा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ और सिंपली आप चाहते हैं पब्लिक बीटा को इंस्टॉल करना, तो चलिए कैसे करना वो भी जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट पे चले आना है, beta.apple.com। आप जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे बीटा प्रोग्राम को इनरोल करने के लिए है। पहले यहाँ पे iOS 17 आपको देखने को मिल रहा होगा, मे बी अगर आपने कभी से ओपन किया होगा तो, क्योंकि ये जो पब्लिक बीटा का वेबसाइट है या फिर वेब पेज है वो अपडेटेड नहीं था। iOS 18 का जो पब्लिक बीटा था वो रिलीज नहीं हुआ था, अब यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो ऐसे में आप अगर ऑलरेडी अब मेंबर है, कोई आपने साइन इन करके रखा हुआ है, बीटा प्रोग्राम को यूज किया हुआ था आपने, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप साइन अप पे जाइए। साइन अप पे जाने के बाद आपको अपने एप्पल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है, ताकि आप यहाँ पे इनरोल कर पाए एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है उसमें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने एप्पल आईडी से साइन इन करना होगा। जैसे ही आप साइन इन करेंगे यहाँ पे अपने एप्पल आईडी से, तो आपको यहाँ पे एक अग्रीमेंट पेज देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है। तो अग्री पे टैप करिए नीचे स्क्रॉल करके, और उसके बाद यहाँ पे आपका बीटा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है उसमें आप इनरोल हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे गाइड दिया जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पे अपडेट करना है बीटा सॉफ्टवेयर को, अपने आईफोन में कैसे इंस्टॉल करना है, आईपैड में कैसे करना है, टीवी ओएस वगैरह जो भी जितने भी यहाँ पे एप्पल के जो सॉफ्टवेयर है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे वो आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप ये गाइड को पढ़ के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे iOS 18 का हमारा है, तो iOS 18 को अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने आईफोन में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इनरोल योर iOS डिवाइस का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पे बैकअप वगैरह क्रिएट करना है, और भी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आप अपने आईफोन को बैकअप कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अपडेट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बीटा अपडेट्स है, ओपन बीटा अपडेट्स, आप इस पर टैप करेंगे और ये आपको सीधा यहाँ पे सेटिंग्स में लेकर चला जाएगा, और यहां से आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक बीटा आपको इंस्टॉल करना है या फिर क्या, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 16.3 के ऊपर के जो डिवाइसेस हैं उनमें आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में दिख जाएगा करने के लिए, और अगर आपके आईफोन में iOS 16.3 से अगर आपका आईफोन जो नीचे के वर्जन पे है, उसके लिए डाउनलोड द कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल जो है उस पे टैप करके आप यहां पे प्रोफाइल डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, और उसके बाद फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद आप आसानी से अपने आईफोन को अपडेट कर पाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो iOS 18 का पब्लिक बीटा वर्जन है वो उन आईफोन्स में काम करने वाला है जिनमें कि iOS 17 अपडेट आया हुआ था या फिर आपने अपडेट किया हुआ था, क्योंकि जो आईफोन में iOS 17 सपोर्टेड नहीं है उसमें iOS 18 को भी आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब ये जब हो जाए तो आपको बीटा अपडेट्स में जाके यहाँ से आपको पब्लिक बीटा को सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने अपडेट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली आपको अपडेट नाउ पे टैप करना है और आपका जो आईफोन है वो पब्लिक बीटा में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आईफोन में iOS 18 का पब्लिक
बीटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जल्दी इंस्टॉल करके दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि कैसा है ये अपडेट और क्या क्या आपको फीचर्स अच्छे लगे। वैसे मैंने फीचर्स के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं।